should be Shahrukh Khan ki. Lekin teesri jo hai Ranveer Singh ki. Okay, let's go. Assalamualaikum everyone. Kaise hain ji? Umeed hai sare theek thaak maze mein first class honge. Welcome to my channel Anisha Reacts. और आज ये बड़ी ज़बरदस्त सी इंटरेस्टिंग सा जो है ना, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ ना, वो है जी डॉन 3 का टाइटल अनाउंसमेंट आ गई है. और दूसरी चीज़ जी, नीचे लिखा हुआ था फरहान अख्तर, वो तो ठीक है क्योंकि उनकी फिल्म है, लेकिन उसके साथ मैं शाहरुख खान का नाम ढूंढती रही तो मुझे मिला नहीं. उसके साथ जी लिखा हुआ आया रणवीर सिंह, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबको इंतज़ार था कि शाहरुख खान आएंगे. पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि पहली जो थी ना वो थी अमिताभ बच्चन की, जो कि लेजेंड है, और इसके बाद जी शाहरुख खान की पहली, और उसके बाद दूसरी भी शाहरुख खान की, लेकिन तीसरी जो है रणवीर सिंह की. अब इस पे बात करते हैं वीडियो देखने के बाद. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जी बेल का आइकन भी आपने प्रेस करना है. वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और जो है कमेंट जरूर कीजिएगा. तो चलें स्टार्ट करते हैं. शेर जो सो रहा है वो जागेगा कब, पूछते हैं ये सब. उनसे कह दो कि फिर जाग उठा हूं मैं और फिर सामने चल दाने को. क्या है ताकत मेरी, क्या है हिम्मत मेरी, फिर दिखाने को. मौत से खेलना जिंदगी है मेरी, जीतना ही मेरा काम है. तुम तो हो जानते जो मेरा नाम है. ओ, क्या बात. ग्यारह मुल्कों की पुलिस ढूंढती है मुझे, पर पकड़ो मुझको कौन. एनर्जेटिक और जैसे कि स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि दिखना चाहिए, जैसे कि उम्मीदें थी, वैसा लग रहा है. ये मेरी राय, ठीक है. और दूसरा, इनका लुक रणवीर सिंह का बहुत अच्छा और बहुत ही डिफरेंट है. और जैसे कि देखिए, एक्टर तो ये बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत सारे लोग इनके फैन हैं. मेन चीज़ होती है एक्टिंग, लेकिन एक चीज़ जो कहने वाली है कि जैसे कि पहली अमिताभ बच्चन की थी, जब शाहरुख खान आए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं कर पाएंगे. जो लोग कहते हैं बातें, और कुछ लोग कह रहे थे कि जी कर सकते हैं, और वाकई उन्होंने क्या डॉन जो है निभाया है, क्या बात है. क्योंकि शाहरुख की जो फिल्में होती हैं और जैसे वो जी विलेन के रोल में होते हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे वो उसी में लगते हैं. क्योंकि जितनी भी सुपर हिट फिल्म्स हैं वो सारी इसी में हैं, उनकी इसी रोल के ऊपर है. और वैसे भी जाहिर सी बात है, वो उनकी कोई भी फिल्म हो वो बहुत अच्छी होती है. क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. हालांकि मुझे शुरू में लगा कि यार इस जगह, क्योंकि मुझे इंतज़ार था डॉन जो है 3 का, कि शाहरुख को देखेंगे. और ज़रा जितनी लंबी ये फिल्म होगी, जितना लंबा हम उनको विलन के रोल में देखेंगे, तो सलमास में तो हाउसफुल हो जाने थे और बहुत टाइम तक ये फिल्म जो है लगी रहती. लेकिन अगर रणवीर ने इस चीज़ का बेड़ा उठाया है तो कोई छोटी बात तो नहीं है. जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और अगर उन्होंने ये
ये रोल लिया है तो कोई सोच के लिया होगा, और बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है कि गुस्सा भी होंगे और बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी क्या है, क्योंकि न्यू तो नहीं कह सकते, बट जाहिर सी बात है कि आजकल के हीरो हैं ये, और शाहरुख खान की तो यार जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि उनकी तो बात अलग है, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो आई होप कि बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जितना मैंने देखी इस वीडियो को, मुझे बहुत अच्छी लगी उनका बोलने का स्टाइल, और जिस तरह कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार उठा लेंगे ये इस वीडियो इस फिल्म को। आई होप, बहुत अच्छी उम्मीदें हैं और अच्छी उम्मीदें ही रखनी चाहिए, क्योंकि चीज़ देखने से पहले हम नहीं राय दे सकते, और नेगेटिव बातें ना करें तो बेहतर है, हम इसको पॉजिटिव लें। हाँ, बहुत सारे फैन जैसे कि मैं हूँ, मुझे भी है कि यार शाहरुख क्यों नहीं है, तो लेकिन जैसे अमिताभ बच्चन ने जो ये फिल्म की थी और बहुत ज़बरदस्त, आज भी यार वो बहुत बेहतरीन फिल्म है, बहुत बेहतरीन मूवी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत मज़ा आया और बहुत मज़ा आता है उसको देखकर। तो इसी तरह जब शाहरुख ने इस पर बहुत अच्छा काम किया, तो रणवीर सिंह भी अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छी इनकी, मतलब इनकी अगर फिल्म में देखा जाए तो इनकी एक्टिंग भी होती है और ये अपने किरदार के अंदर जो है चले जाते हैं और चेंज इनकी होती है एक्टिंग, ऐसा नहीं है कि एक जैसी एक्टिंग करते हो। और दूसरी बात, इनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, और इसमें भी यार मुझे ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से स्टार्ट था और जैसे कि उसका एंड किया इन्होंने, और जैसे कि बीच बीच में इन्होंने जो डाले हैं जो डॉन के जो स्वैग होते हैं, तो यार मुझे तो अच्छा लगा। आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है रिएक्शन कर रहे होते हैं अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों की राय भी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं पहले ही बता दूँ कि कोई भी किसी एक्टर की जगह नहीं ले सकता, नो डाउट। और जाहिर सी बात है डॉन का, डॉन 3 का तो मुझे भी इंतज़ार था कि शाहरुख को देखेंगे, तो शाहरुख और भी इनकी आ रही है, जवान आ रही है, तो हो सकता है कि कोई वजह हो, क्या है आगे जाके पता चलेगा, तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, और आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी राय, मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जहाँ भी रहें खुश रहें, एनी शाह रिएक्ट्स और एनी शाह ब्लॉग्स को देखते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।